तो नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे ट्रिनैक्समिक एसिड टैबलेट। साथियों, ट्रिनैक्समिक एसिड टैबलेट जो हमारे पास ये गवर्नमेंट सप्लाई की है, उत्तर प्रदेश में सभी हॉस्पिटल में ये फ्री में मिलती है, CSC, PSC, एडिशनल PSC। साथियों, साथ ही साथ जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सभी जगह ये निःशुल्क मिलती है। साथियों, और महिला हॉस्पिटल में स्पेशली ये ज़्यादा मिलती है। साथियों, बहुत से ब्रांड हैं जो ट्रिनैक्समिक एसिड जो है बनाते हैं, फार्मूला सेम होता है लेकिन ब्रांड का नेम अलग होता है, जैसे क्लिप 500 mg। साथियों, क्लिप 500 mg FDC कंपनी है, FDC फार्मा है, फूड ड्रग केमिकल लिमिटेड उसका प्रोडक्ट है। फार्मूला सेम होता है कंपोजिशन ट्रिनैक्समिक एसिड, लेकिन ब्रांड का नाम है क्लिप 500। उसी तरह से है जैमिक 500 mg, टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। एंड ट्रैपिक साथियों सन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। तो साथियों, बहुत से ब्रांड हैं, साथ ही साथ सबसे फेमस ब्रांड है साइक्लोकाप्रोन। ये साथियों जो है 500 mg की है, फाइजर कंपनी की टैबलेट है। साथियों, ट्रिनैक्समिक एसिड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि ट्रिनैक्समिक एसिड है क्या, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रक्शन की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे, वार्निंग की बात करेंगे, साथियों ब्रांड्स की बात करेंगे। ट्रिनैक्समिक एसिड साथियों क्या है, डिस्क्रिप्शन की पहले बात करते हैं। ट्रिनैक्समिक एसिड इज ए मेडिसन दैट कंट्रोल ब्लीडिंग। कहने का मतलब ये मेडिसन जो है खून को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स योर ब्लड टू क्लॉट एंड यूज फॉर नोज ब्लीडिंग। ये क्या करती है, ब्लड को थक्का बना देती है, क्लॉट बना देती है। उससे क्या होता है, ब्लड का रिसाव होता है, शरीर से जो ब्लड बहता है वो रुक जाता है। जैसे कि क्या होता है कि किसी रीजन बस नोज से, नाक से जब खून निकलने लगता है, ऐसे केस में ट्रिनैक्समिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तुरंत आराम मिल जाता है। हैवी पीरियड्स, जो मेनस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, ऐसे केस में क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है या फिजिशियन जो है इसको जो है रिकमेंड करते हैं और आराम मिल जाता है। इफ़ यू आर हैविंग द टूथ टेकन आउट, कहने का मतलब है किसी कारणवश जो है डेंटिस्ट जो है क्या होता है कि दांत का ऑपरेशन करते हैं, दांत को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, ट्रिनैक्समिक एसिड टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इसका माउथ वॉश भी आता है, और ये क्या होता है, माउथ वॉश इसको जो है कुल्ली करने से क्या होता है, स्टॉप द ब्लीडिंग, मुंह से जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और उससे क्या होता है, जर्म्स भी किल हो जाते हैं और ब्लीडिंग भी रुक जाती है। साथियों, इट बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीफाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। साथियों, एंटीफाइब्रिनोलाइटिक क्लास की ये दवा है। साथियों, हीमोग्लोबिन जो बहता है, खून बहता है, ब्लड को रोकने की ये दवा है। साथियों, ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। साथियों, साथ ही साथ इसके हम यूजेस की बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, जैसे कि हमने डिस्क्रिप्शन में बताया साथियों, ट्रीट हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वोमेन, महिला में जो मासिक धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग होने लगती है, ऐसे केस में क्या होता है कि ट्रिनैक्समिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। साथियों, डेंटल एक्सट्रैक्शन, जैसा कि अभी बताया है कि दांत को जो है जब डेंटिस्ट जो है मुंह से निकालते हैं, किसी कारणवश दांत खराब हो जाता है, कैविटी हो जाती है, टूथ डिके हो जाता है, दांत सड़ जाता है, ऐसे केस में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है उसमें जो है ट्रिनैक्समिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, माउथ वॉश इसका रिकमेंड कर देते हैं, उससे माउथ वॉश करने से, ओरली रिंज करने से, कुल्ली करने से ब्लड रुक जाता है। नोज से ब्लीडिंग होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड सर्विकल सर्जरी होती है साथियों, सर्विकल प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, ऐसे केस में कभी कभी डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो उसमें ब्लड जो है ना बहे, इसलिए ट्रिनैक्समिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, हेरिडिटी प्रॉब्लम जिनको होती है, हेरिडिटी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कहने का मतलब है थक्का नहीं बनता है और ब्लीडिंग जो है होती रहती है, उसमें जो है क्या होता है कि ऐसे केस में इसका जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जिनको हार्ट डिजीज होती है उसमें जो है क्या होता है, ब्लड बहने लगता है, ऐसे केस में अकेशंस में जो है हिडन एक डिसऑर्डर है ये, उसमें लिखते हैं। और साथियों क्या होता है, कभी कभी इनसाइड आई, आँख के अंदर जो है क्या होता है कि मतलब ब्लड का रिसाव होने लगता है, उसमें भी जो है क्या कहते हैं इसको रिकमेंड करते हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी हमने बताया, यूजेस बहुत ही अच्छी दवा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। साथियों, बहुत से ब्रांड आते हैं ट्रिनैक्समिक एसिड बताने से,
साथियों इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस बताए हैं, एक बार हिंदी में संक्षिप्त में और बताएंगे कि महिला जो होती है उनके मासिक धर्म आता है, मेनस्ट्रुअल साइकिल आती है, एमसी आती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, दांत निकालते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड नहीं बहे, नोज में ब्लडिंग होने लगती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और आई में ब्लड बहने लगता है, इनसाइड ब्लीडिंग आई होने लगता है उसमें, और क्या होता है हेरिडिटी ब्लड क्लॉटिंग डिजीज होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये तो यूजेस की बात हो गई, साइड इफेक्ट की बात करेंगे। नोजिया वोमिटिंग, इसको खाने से साइड इफेक्ट इसका है डायरिया, कभी कभी पेट खराब हो जाता है, और क्या होता है मसल्स पेन होने लगता है और एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं। ये क्षणिक साइड इफेक्ट है, इनकेस कोई सीवियर साइड इफेक्ट दिखता है तो तुरंत सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो हिस्ट्री या ब्लड क्लॉट, अगर किसी मरीज को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम है, मतलब उसको जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ऐसे केस में इस दवाई को सेवन नहीं करेंगे। हार्ट की डिजीज है, दवाई का सेवन नहीं करेंगे। अब किडनी प्रॉब्लम है, इम्पायर्ड फंक्शन ऑफ किडनी है, उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, वो इस दवाई का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिल्क के जरिए बच्चे में जा सकता है। इंट्रेक्शन की बात करेंगे साथियों, जो ब्लड थिनर लेते हैं, एंटीकोगुलेंट टैबलेट लेते हैं, जैसे कि वारफरीन, उनको ये नहीं लिखा जाएगा। हेपायरिन है, उनको नहीं दिया जाएगा। बर्थ कंट्रोल जो महिलाएं पिल्स खाती हैं, वो इसका दवाई का सेवन नहीं कर सकते हैं। जिनको हार्ट अटैक आया है उसको भी ये दवाई नहीं दिया जाएगा। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके डोज एडजस्ट करते हैं, जैसे कि 10 mg पर kg बॉडी वेट इसको दिया जाता है। एडल्ट में मान के चलिए 500 mg की टैबलेट है तो दिन में जो है 2 या 3 बार, अदरवाइज अलग अलग डिजीज पे डिपेंड करता है किस पे कौन सी दवा कैसे देनी है। जैसे कि डेंटल इंस्ट्रक्शन, किसी का दांत निकाला गया है तो उसमें दिन में 3 बार ये दवाई दी जाएगी अगर एडल्ट पर्सन है। अगर मान के चलिए किसी के जो है मतलब कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेनस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें क्या होता है कि दिन में 3 या 4 बार जो है ये दवाई दी जाती है साथियों, और जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो इसको दवाई का डोज रोक दिया जाता है। साथियों वार्निंग की बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स विद ब्लड वेसल्स इन आईज, अगर किसी के ब्लड वेसल्स आई में प्रॉब्लम है कि ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको जो है इस दवाई का जो है मतलब पहले से नहीं देंगे, डॉक्टर की सलाह से देंगे, या डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जब भी जाते हैं तो उनको पहले आप बता दीजिए। साथ ही साथ क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस जिनको है उनको इस दवाई का सेवन नहीं करना है, और जिनको स्ट्रोक आघात पहुंचा है, कभी हार्ट अटैक हो सकता है हुआ है, उनको इस दवाई का सेवन नहीं करना है, और कभी ब्लीडिंग जो है ब्रेन में हुई है, कहने का मतलब उनको इस दवाई का सेवन नहीं करना है। साथियों ट्रिनेक्सिमिक एसिड जो है टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, लिक्विड फॉर्म फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इसका लिक्विड भी आता है, माउथ वाश भी आता है, डॉक्टर डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, और इसका इंजेक्शन भी आता है साथियों। साथियों इसकी जो है 35 से 50 रुपए के बीच में जो है 10 टैबलेट आसानी से मिल जाती है मार्केट में। जैसा कि ब्रांड में हमने पहले शुरुआत में बताया, क्लिप 500 FDC की आती है, जैमिक आती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल की, एंड ट्रैपिक सन फार्मा की आती है, एंड साइक्लोक्राप्रॉन जो है फाइजर की आती है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।